गाइस, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना सकते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, फटाफट वीडियो को करते स्टार्ट। तो यहाँ पे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कभी भी हम राउंड पाइप को जब राउंड पाइप के साथ में वेल्ड करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली काफी गैप मिल जाता है, मीन्स फिटिंग बराबर नहीं होती है। अगर हम ऊपर से भी करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर फिट नहीं होता, ये मूव होने लगता है और वेल्डिंग भी प्रॉपर नहीं लग पाता है। कहूंगा कि आप इसमें किस तरह अच्छे से कट करके इसमें प्रॉपर किस तरह फिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्नियर हो या स्केल हो या टेप हो, किसी से भी आपको जो है इसका डायमीटर मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे डायमीटर माप लीजिए, तो यहाँ पे जो है लगभग मुझे 32 इसका डायमीटर मिल रहा है। उसके बाद में क्या करना है, इसका एक कैलकुलेशन है, तो डी इंटू पाई, तो काफी सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी मीन्स हमारा जो डायमीटर है, तो जैसे हमने मेजर किया हमारा डायमीटर जो है 32 आ रहा है। पाई की वैल्यू नॉर्मली हम लोग जानते हैं 3.14 होता है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 100.48 मिलेगा। तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। तो अभी क्या करना है आपको, 100.48 को डिवाइड बाई 4 कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड बाई 4 करेंगे तो लगभग 25.1 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 100.48 की एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, तो यहाँ पे लाइन आपको खींच लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन खींची है, 100.48 की लाइन खींची है, डिवाइड बाई 4 किया है, मीन्स अभी क्या करना है इसका आपको चार भाग कर देना है, इसके चार पार्ट्स कर देना है। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने 25.1 ले लिया है, यहाँ पे आता है, और यहाँ से यहाँ पे 25 यहाँ पे आता है। तो नॉर्मली आपको यहाँ से और यहाँ से 25 ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको राउंड सर्कल बनाना है। राउंड डायमीटर क्या रहेगा, 32, और रेडियस क्या रहेगा, 16। तो यहाँ पे मैंने 16 का रेडियस ले लिया है। 16 का रेडियस लेने के बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। तो यहाँ पे एक सर्कल और एक सर्कल यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह आपको जो है लगभग दो सर्कल बना लेने हैं। तो ये आपकी फाइनल ड्राइंग थी। तो इस तरह आपको बनाना है, और बनाने के बाद में क्या करना है आपको, नीचे वाला पोर्शन या नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी एक पोर्शन कट कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह देखेंगे, मैंने एक पहले से ही कट करके रखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको जो है कट करके निकाल लेना है, कुछ इस तरह जो रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आपको इस तरह, तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं कुछ इस तरह जो सर्कल आपको देखने को मिलेगा, हाफ यहाँ पे दोनों साइड आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पेंसिल से है इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद ये वाला पोर्शन दोनों कट करके निकाल देना है, तो ये प्रॉपरली जो है इसके साथ में फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा कटिंग हो चुका है एक साइड का, तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं, नीचे का भी कटिंग कर देंगे, उसके बाद मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मोटर की बात करें तो यहाँ पे जो मैं हब मोटर यूज करने वाला था, ये मोटर मैंने पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट में यूज कर चुका हूँ। अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो मोटर की बात करें तो ये जो है 48 volt 1000 volt की BLDC हब मोटर है, इसी मोटर का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फटाफट मैं आपको फिटिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है बेयरिंग लगता है, दो बेयरिंग लगता है जिससे हमारा ये मूव होता है।
लेकिन नॉर्मली क्या रहता है, वो जो बैरिंग का पूरा सेट और जो पाइप रहता है वो हमारे चेसिस में ही लगा रहता है, तो वो हमको मिल नहीं पाता। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक पाइप लिया है जो इसके अंदर इजीली चला जाए, और ऊपर नीचे बैरिंग फिट करने के लिए यहाँ पे मैंने दो हब बनाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, तो ये यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं, ये हमारी बैरिंग है। तो आपको क्या करना है, जहाँ से भी आप स्टेयरिंग लेंगे इसके ऊपर और नीचे का दोनों बैरिंग ले लेना है। तो ये जो है बैरिंग है, उसके बाद में यहाँ पे हमने दो हब बनाए। तो यहाँ पे फिटिंग किस तरह होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हब एक ये नीचे गया, एक ऊपर गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक बैरिंग हमारा इसके अंदर जाएगा, एक बैरिंग इसके अंदर जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये बैरिंग है, इसको हम यहाँ से, ठीक है, इस तरह ये अंदर चला गया। तो अभी जो है यहाँ पे हम वेल्ड मार के इसको फिक्स कर देंगे, और बैरिंग के साथ में जो है इसको अंदर डाल के टाइट कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो मेन फ्रेम का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, पीछे एक प्लेट लगा के कट मारा था जिसमें हमारा मोटर फिट होगा, मतलब ये पाइप से ये पाइप के पीछे जो हमारा मोटर फिट होगा। उसके बाद ये पाइप से लेके ये पाइप के बीच का जो सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग कंट्रोलर और बैटरी रखने वाले हैं। तो मेरे कंट्रोलर और बैटरी इस सेक्शन में आ जा रही है, तो आप ये सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, बैटरी बड़ा डाल के आप चलाने के लिए अगर आप ज़्यादा दूर जाना चाहते हो। तो उसके बाद आगे का देखेंगे, तो यहाँ पे जो हमने हैंडल फिट करने के लिए यहाँ से पाइप लेके स्टेयरिंग के लिए हमने ये बनाया। तो काफ़ी सिंपल फ्रेमिंग है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हैंडल जो है, मैं स्कूटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे, कंफर्ट लगे, वो हैंडल आप यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट फिटिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ मटेरियल है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा थ्रोटल है, मीन्स एक्सीलेटर बोल सकते हैं, जो ई बाइक में यूज़ होता है। तो ये थ्रोटल यूज़ करने वाले हैं। 48 वोल्ट का यहाँ पे मैंने कंट्रोलर लिया है, तो इस तरह ये कंट्रोलर देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कंट्रोलर। उसके बाद में यहाँ पे 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी और एक लिथियम आयन चार्जर। तो ये कुछ मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो फटाफट मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड स्टैंड यूज कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास में जो भी कोई ऑटो पार्ट्स की दुकान होगी तो वहां से जाके आप ले लेना।
हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है, तो काफी लोगों को डाउट होगा कि मैंने इसमें वायरिंग के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस मोटर कंट्रोल के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग का और वायरिंग का दोनों बताया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बात करें ये फ्रेम की, तो पहले जो मैं इसको मिनी ई बाइक बनाने वाला था, लेकिन इसका जो बेसिक फ्रेम था, जो नीचे का फ्रेम था, स्कूटर से मिलता जुलता था, तो मैंने इस पर एक स्कूटर का भी वीडियो बना लूँ और एक ई बाइक का भी बना लूँ, तो इसलिए मैंने इस पर कलर करके नहीं बता रहा हूँ, बिना कलर किए चला रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके जो है मैं आपको फ्रेमिंग बना के ई बाइक बना के दिखाऊंगा, उसमें मैं कलर लगा के आपको वो अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।